नमस्ते जी, वैदिक राशि में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है यज्ञ से जीवन को स्वर्ग में बनावें। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के सिद्धांतों से जुड़े हुए विषयों को लेकर आते हैं। वैदिक राष्ट्र को वेद के सिद्धांतों से संबंधित जुड़े हुए विषयों के लिए, वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें और वेद प्रचार के इस कार्य में हमारा सहयोग करें। आइए आगे चलते हैं, विषय की ओर चलते हैं, यज्ञ से जीवन को स्वर्ग में बनावे। आज का यह लेख जो है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 11वें मंत्र से लिया गया है और यह कल्याण की मार्ग पुस्तक से लिया गया है। इस लेख के लेखक और इस कल्याण की मार्ग पुस्तक के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आइए विषय की ओर चलते हैं। यज्ञ पर्यावरण की शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है। यहाँ प्रतिदिन यह यज्ञ होते हैं, वहाँ वातावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार के कष्ट कलेशों से मुक्त होकर प्राणी का जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाता है। इस बात को इस मंत्र में स्पष्ट किया गया है। मंत्र इस प्रकार है। ओम भूताय त्वा नराते सुरक्ने चक्षे त्रिसं द्रया पृथिव्या मुरंत्र विवि पृथिव्यास्त्वा नाभे सदज्ञान उपयज्ञे हवज रक्षा। इस मंत्र में कहा गया है कि यज्ञ शेष, विगत मंत्र में जो 10वां मंत्र था यज्ञ शेष के महत्व को दर्शाया गया था। अब इस मंत्र में यह कहा गया है कि न केवल प्रसाद ही बल्कि सुख समृद्धि को बताने वाला भी होता है। इस विस्तार को यहाँ 7 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। मंत्र बता रहा है कि त्याग से भोगो। मंत्र जीव को संबोधन करते हुए कह रहा है कि मैं तुझे प्राणी मात्र के हित के लिए ग्रहण करता हूँ। मंत्र ने इस प्रकार प्रकट किया गया है कि हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें सार्वजनिक हित की बात में होना चाहिए। केवल एक व्यक्ति का जिसमें हित होता है ऐसा काम करने से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए ही मंत्र कह रहा है कि मैं तुम्हें प्राणी मात्र के लिए ग्रहण करता हूँ, अर्थात जीव को सदा प्राणी मात्र के हितार्थ कार्य करना चाहिए। मंत्र आगे उपदेश कर रहा है कि मैं तुझे इसीलिए ग्रहण नहीं कर रहा कि यह भाव नहीं है कि मुझे कुछ देना नहीं चाहता। मैं तुझे यह सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी मुझे आवश्यकता है। मैं तुझे ग्रहण ही देने के लिए कर रहा हूँ, ना देने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। मैंने तुझे ग्रहण किया है तो इसके लिए कि तेरे अंदर परोपकार की भावना है, तेरे अंदर दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता की भावना है, तेरे अंदर यज्ञ की भावना है। इस भाव इसका यह है कि परोपकार होता है, दूसरों की सहायता से होता है। सहायता भी ऐसी है कि हम जिसकी सहायता कर सकते हैं उसे हम जानते ही नहीं, इसीलिए उस प्रकार कभी भी किसी प्रकार का एहसान ना जता सके वहाँ। यही कारण है कि हम किसी को भी भोग के लिए नहीं योग के लिए ग्रहण करते हैं, अपने मित्रों की श्रेणी में रखते हैं। प्रभु ने हमारे भोग के लिए जो भी पदार्थ बनाए हैं, जो भी फल फूल वनस्पति पैदा की है, वह सब जीव मात्र के लिए है। उनका हम उपभोग अवश्य ही करें, किंतु मंत्र आदेश दे रहा है कि हम इन भोगों को त्याग भाव से भोगना, स्वार्थ से भाव से नहीं। भाव यह है कि प्रभु ने हमारे उपभोग के लिए जो फल पैदा किए हैं या जो फूल पैदा किए हैं, जो वनस्पतियाँ पैदा की है, यह सब जीव मात्र के उपभोग के लिए है। जितना उदर पूर्ति के लिए आवश्यक है हे जीव, उतना ही तेरा, उतने का ही उपभोग कर, इतने से ही तृप्ति कर। शेष जो कुछ है वह अन्य प्राणियों के लिए है, लालच मत कर, इसे संग्रह ना कर। यज्ञमय जीवन को से सर्वत्र स्वर्ग मिलता है। यह यज्ञ ही है जो सबका कल्याण करता है, सबको सुखी बनाता है, स्वर्गिक आनंद देता है। इससे मनुष्य का ही नहीं जीव जंतुओं का भी पोषण होता है। परोपकार का नाम ही यज्ञ है, दूसरों की सेवा का नाम यज्ञ है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो प्रतिदिन यज्ञ करता है उसके सब कार्य स्वर्ग ही स्वर्ग होता है। उसके आसपास पर्यावरण शुद्ध पवित्र हो जाता है, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, सब व्याधियों का नाश हो जाता है। जो शेष रहा सुख, बस यह उसे ही मिलता है। यह नाम ही स्वर्ग है, इसका नाम ही स्वर्ग है। यथा यज्ञशील प्राणी को सदा स्वर्गिक आनंद मिलता है, यज्ञ करने वाले प्राणी का उभयलोक सदा कल्याणकारक होता है। हम जानते हैं कि जब देवताओं का राक्षसों से उत्तमता के लिए प्रतिस्पर्धा हो गई तो परमपिता ने राक्षसों के हाथ कोहनी तक से बांध दिए ताकि मुड़े नहीं। उनके सामने खाना परोस दिया गया, खाने का आदेश दिया। राक्षस तो होते ही राक्षस हैं, अतः अपना भोजन दूसरों को कैसे खिलाने का साहस करते। दूसरों से सहयोग की उनके तो कभी भावना ही नहीं थी, बस अपना भोजन का ग्रास उठाया और ऊपर ले जाकर अपने मुख के सामने छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप कुछ थोड़ा सा मुंह में गया, शेष का कुछ भाग गालों पर, आंखों में, कुछ कानों में, कहीं लंगूर बनकर तो कोई कुत्ता उन्हें देख कर हंसने लगे। जब हम इस प्रकार ही देवों को बांध कर भोजन दिया गया तो देव लोग एक दूसरे के सामने बैठ गए, एक दूसरे को भोजन करवाने लगे और अपने आप को तृप्त कर लिया, दूसरों को भी कर दिया। किसी प्रकार की हानि भी नहीं हुई। बस इसी का नाम यज्ञमय जीवन है, यह नाम स्वर्गिक आनंद का नाम है। इसीलिए वेद मंत्र कहता है कि केवल अपने तक ही सीमित ना रखो बल्कि अन्यों को सुखमय जीवन बनाने के साधन भी पैदा करो।
यज्ञमय जीवन से हमारे शरीर मन और मस्तिष्क प्रबल होते हैं। यज्ञमय से हमारे परिवार में संगठन होने से हमारे घर मजबूत हो जाते हैं, हमारा सामाजिक जीवन अटूट हो जाता है। जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है वहाँ भोग की प्रवृत्ति नहीं आ पाती, इसीलिए यह भोग प्रवृत्ति का विनाशक होता है, प्रतिबंधक होता है। इस प्रवृत्ति से, प्रतिबंध से हमारे शरीर मन हमारे मस्तिष्क दृढ़ बन जाते हैं। जब हम घर में यज्ञमय भावना ना होगी तो परिवार के सदस्य अपने स्वार्थ को ही सामने रखेंगे, जिससे घर में सदा लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश बना रहेगा। ऐसी अवस्था में चित्त का शांत होना, प्रसन्न होना तो संभव ही नहीं होता, सब ही खुशी गायब हो जाती है। इसका नाम ही नरक है। इस अवस्था का अंत कैसे होता है? पूरे परिवार के नाश के रूप में। इसीलिए यज्ञ किसे हृदय विशाल बनता है? प्रभु कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति को ही प्राप्त होता हूँ जिसका हृदय विशाल होता है। जो हमारा जो शरीर है वास्तव में पृथ्वी के समान होता है। हमें ऐसा भी कहते हैं कि शरीर में हमने प्रत्येक शक्ति का विस्तार किया है। प्रभु कहते हैं कि उस विशाल हृदय रूपी अंतरिक्ष को जो अनुकूलता के कारण, उत्तमता के कारण प्राप्त होता है, भाव यह है कि इस कारण जब पवित्रता आ जाती है तो वह प्रभु उसमें आकर विराज जाते हैं, हृदय रूपी आसमान में, हृदय रूपी अंतरिक्ष में। इतना ही नहीं, यह भावना से हमारे हृदयों में विशालता आ जाती है, परोपकार व दूसरों के सहयोग की इच्छा आ जाती है। जो जीव यज्ञमय जीवन वाला होता है उसके लिए प्रभु प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हमारे इस मानव शरीर रूपी भवन की नाभि यज्ञ है, इसी प्रकार इसका केंद्र है। परमपिता परमात्मा ने ही हमें इसमें स्थापित किया है। गीता भी तो इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कह रही है कि इस यज्ञ से तुम फलो फूलो, यह तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। भाव यह है कि इससे ही सब कामनाएँ, सब इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। अधीनता से युक्त बने। अधीन पुरुष, मैं तुझे अदिति को सौंप रहा हूँ। तूने जो कल्याण के कार्य किए हैं उसके कारण तेरा अदिति के पास निवास होना आवश्यक है। इसके कारण ही मैं तुझे अदिति को सौंप रहा हूँ, उसकी गोद में दे रहा हूँ। इस अदिति को की गोद में जाकर तू अधीन बन, इसकी गोद में जाकर तू दिव्य गुणों का स्वामी हो जा। हाँ, तू हीन भावना से ऊपर उड़ गया है तो इस भाव नहीं है कि मैं अभिमानी बनकर घमंडी बन जाऊँ। इसका यह भाव है कि किसी के आश्रित ना रहना, रोगी ना रहना आदि। प्रभु कहते हैं कि हे यज्ञमय, इस कमंड से बचने के कारण ही तेरा अधीनता विनीता की सुंदर भावना आ जाती है तुझमें। इस शरीर से इसका समन्वय हो जाता है। प्रभु इस मंत्र के माध्यम से हमें उपदेश करते हुए कहते हैं अंतिम भाग में कि हे प्राणी, हे जीव, तू आगे बढ़ने वाला वन, तूने इसका प्रयोग कर स्वयं के लाभ के लिए, तुम्हें आत्मसात किया है लाभ के लिए, तो तू सदा इस बात का ध्यान रखना कि तूने इस हव्य की रक्षा करनी है, इसे बनाए रखना है। तूने अपने जीवन को खूब यज्ञ में बनाया है, इसे यज्ञ में ही बनाए रखना। इस वाक्य को अपने लिए आदर्श वाक्य बनाए रखना। इस आदर्श वाक्य के आधार पर ही तू सदा परोपकार करते रहना, दूसरों की सहायता करते रहना, दूसरों का मार्गदर्शन करते रहना। यज्ञमय जीवन से कभी अलग मत होना, दूसरों के मार्गदर्शन सहायता से कभी अलग मत होना। ओम। प्रस्तुत मंत्र और इसके व्याख्या कल्याण के मार्ग पुस्तक से ली गई है। इसके लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।